मुद्दे ये हैं कि आप देख रहे हो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बीजेपी से जा चुके हैं, और हमारे मुद्दे थे SC/ST एक्ट के अंदर धारा 18A हटाई जाए, सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ये जो धार्मिक या फिर इतिहास पर फिल्में बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड में जो सेंसर बोर्ड के सदस्य हैं वो रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वहाँ इतिहासकारों की नियुक्ति भी हो। और श्री राम मंदिर कब बना रही है बीजेपी, ये हमारे मुद्दे थे। इन मुद्दों पर एक पर भी बीजेपी खरी नहीं उतरी, इस कारण आज 3 प्रदेश से बीजेपी जा चुकी है। आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं, पहले भी करते रहे, आज फिर कह रहे हैं कि अभी भी वक्त और समय है, 2019 आने वाली है, उससे पहले पहले हमारी मांग है वो मानी जाए, हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, और अगर इन मांगों पर टस से मस जैसे पहले नहीं हुए उसी तरह रहे। हमने आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों उज्जैन में 10-10 लाख लोग भी इकट्ठे करके दिखा दिए उनको, फिर भी सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। उसका परिणाम आप 3 प्रदेशों में देख रहे हो, कोई कांग्रेस ने कोई विकास की गंगा नहीं बांधी इसलिए कांग्रेस को वोट पड़ रहे हैं। बीजेपी ने सवर्ण कास्ट की अनदेखी की, उसका परिणाम ये है, किसानों की अनदेखी की, उसका परिणाम ये है। आज कांग्रेस ने कह दिया कि हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, किसान कौन, हम ही किसान, अरे हम ही तो इनकम टैक्स दे रहे हैं, हम ही तो GST दे रहे हैं, हमारे पैसे हमारे कोई माफ, और उस पर अब वोट जनता दे रही है। तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार से जो हमारी मांगे थी उन मांगों को एक बार पुनः केंद्र सरकार के सामने रख रहे भी हमारी मांगे हैं, इनको माना जाए, नहीं तो 2019 में रवानगी। ईवीएम को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक गेम है, हो सकता है कि आगे जाके ईवीएम की यूज करके 2019 का चुनाव बीजेपी जीत ले। भाई ईवीएम सही है या नहीं है वो चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं उनको शिकायत करनी चाहिए, उनको जांच करानी चाहिए, बेल्ट पेपर से चुनाव करा लो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अगर आगे आने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी तो हम तो कर देंगे शिकायत, चुनाव आयोग से भी बेल्ट पेपर से चुनाव होने चाहिए। ईवीएम सही है या गलत है उसका तो चुनाव आयोग ही डिसीजन ले सकता है, हम तो शिकायत कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए या पेपर पे? मेरे को तो ये लग रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं में हम देखते हैं काफ़ी कंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर हमारे से 20 साल आगे चल रहे हैं, वो लोग इस ईवीएम मशीन को वहाँ यूज नहीं कर रहे। अगर इसमें कोई खास चीज़ होती, अगर ये सही काम की चीज़ होती तो अपने से पहले जापान वाले यूज करते। इसके अलावा 2 फिल्मों को लेकर भी आपने आवाज़ उठाई है पद्मावती के बाद, तो उसमें क्या प्रॉब्लम से भी जो फिल्में भाई पद्मावती फिल्म है, पद्मावती हमारी माँ थी और पद्मावती भारतीय नारियों का स्वाभिमान थी। हमने केंद्र सरकार को बहुत कहा था भाई ये पद्मावती जी का अपमान, भारत का अपमान है, हर हिंदुत्व का अपमान है, पद्मावती जी ने हर हिंदू भारतीय नारी का स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए जोहर किया था, और ये फिल्मी भांड 2 पैसे कमाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका दिखा रहे हैं, डांस दिखा रहे हैं, ये डांस और प्रेमिका और ये बनना होता तो वो जोहर नहीं करती। उसी तरह आज मणिकर्णिका फिल्म बना रहे हैं तो उसके अंदर आपके मीडियम के माध्यम से देखा था कि उससे सॉन्ग वो क्या आइटम सॉन्ग दिखाया जाएगा, उसको नाचते हुए नचनिया बना करके झांसी की रानी को दिखाया जाएगा कम कपड़ों के अंदर, आइटम सॉन्ग बन करके वो नाचेगी, देश की युवा पीढ़ी देखेगी। अंग्रेज के साथ अफेयर दिखाया जाएगा झांसी की रानी का, तो ये इतिहास है क्या? अगर उसको अफेयर करना होता, प्यार प्रेम प्रसंग अंग्रेजों के साथ करना होता तो उनको तलवार लेकर के गाजर मूली की तरह नहीं काटती, वो प्यार प्रेम ही कर लेती। तो ये इतिहास तो हिंदुत्व को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है, इसका हम पहले भी विरोध करते थे, आगे भी विरोध कर रहे हैं, और आज मैं आपके सामने कह के जा रहा हूँ जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये मणिकर्णिका फिल्म के ये सीन नहीं हटाए, हम फिल्म का विरोध नहीं कर रहे, हम इन सीनों का
जो एक तो आइटम सॉन्ग है और एक जो अंग्रेज की प्रेमिका दिखाए जा रहे हैं, ये अगर सीन मणिकर्णी का फिल्म से नहीं हटे तो बंसाली के तो एक दो थप्पड़ पड़े थे। आज आपको कह के जा रहा हूं, हम ये जो कमल जैन है इसको घर में घुस करके पीटेंगे और इतना पीटेंगे आने वाली नस ने भी याद रखेगी। कोई इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की फिर हिम्मत नहीं कर पाएगा। सेंसर बोर्ड कैसे पास करता है इस तरह का कुछ इतिहास के साथ छेड़छाड़? सेंसर बोर्ड को इतिहास और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, ना कोर्ट को लेना देना है ना सेंसर बोर्ड को है। तो सर अगर इतिहास और सेंसर आपको इतिहास और धर्म के ऊपर फिल्म बनानी है तो मैं ये तो कह रहा हूँ इतिहासकारों की नियुक्ति कर दो सेंसर बोर्ड में। इतिहासकार सेंसर बोर्ड में है ही नहीं, इतिहासकारों की नियुक्ति कर दो, ये तो हमारी मांग है सेंसर बोर्ड के अंदर। ये तो सर आपको क्या लगता है कि क्यों राजपूतों की जो विरासत है उस पर बार बार प्रहार किया जा रहा है और सरकार आग मूंद के बैठी रहती है, या मतलब इतना शोर मचाने पे भी, इतना आग उगलने के बावजूद भी बहुत थोड़ा सा एक्शन लिया जाता है बहुत दिनों बाद, ये क्या रीजन आपको लगता है? हमें इसी चीज का तो दुख है, कांग्रेस तो पहले ही कहती है मुस्लिम पार्टी है, हमें इस चीज का तो दुख है भी आज बीजेपी के अंदर में है और उसके बावजूद फिल्म इंडस्ट्री दाऊद के पंजे के नीचे है। एक भी मुस्लिम के खिलाफ फिल्म बना करके दिखाओ ना आप, एक भी मुस्लिम के खिलाफ कोई फिल्म में सीन दिखाओ ना आप, आज तक क्यों नहीं हुए? अरे फिल्मों के अंदर दिखाते क्या हो आप, ब्राह्मण को मंदिर में औरतों से छेड़छाड़ करते हुए, राजपूतों को डाकू बना करके प्रस्तुत किया जाता है, और हिंदू को बनिया होता है जो साहूकार उसको दुकान के अंदर ब्याज सूद इज्जत लूटते हुए छेड़छाड़ करते हुए ब्याज के एवज में इज्जत मांगते हुए दिखाया जाता है, और आप चर्च के अंदर सीन दिखाते हो वहां गॉड ब्लेस बच्चे, सिर्फ इतना ही क्यों? वहां चर्च के जो पुजारी हैं, तो इसमें क्या आपको ये लगता है कि जो अपने राजपूत एसोसिएशन हैं, जो राजपूतों के द्वारा आवाज उठाने में आजादी से लेके आज तक क्या बहुत देर हो चुकी है, इस वजह से ये सब इतना चलता रहा, इतना एक तरह से वर्चस्व बढ़ गया सरकार का, फिल्म इंडस्ट्री का? यही तो है, ये जो संगठन बने हुए थे, जो संस्थाएं जो चल रही थी, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और इतिहासकारों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए था। इतिहासकार एक दो बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को बुलंद नहीं होने देते। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा पद्मावती को लेकर पूरे भारत में आवाज बुलंद हुई और उसका असर भी रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चार प्रदेश में वो नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चार प्रदेशों में पद्मावती नहीं चली, उसका असर भी रहा। पर ये फिर कोई ना कोई भांड, कोई ना कोई स्टोरी इतिहास और हिंदुत्व के लिए किया जाता है और उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करता है। मैं तो ये कहता हूँ सेंसर बोर्ड में इतिहासकार बिठा दिया जाए, या फिर केंद्र सरकार को एक ऐसा अध्यादेश लाने की आदत तो है इनको, अध्यादेश एससी एसटी एक्ट के लिए लेके आ सकते हैं, तो इसके लिए भी एक अध्यादेश लिया है कि इतिहास पर कोई फिल्म बनेगी नहीं, धार्मिक कोई फिल्म बनेगी नहीं। तो सुखदेव जी, जब कोई फिल्म में धार्मिक बनती है तो लोगों को बताने के लिए बनती की कहानियां क्या थी, तो उस कहानी को जब इन लोग नहीं बना पा रहे, तो अगर सुखदेव जी किसी से बात करेंगे कि उस वहां की जो इतिहास है उस इतिहास को लोगों को दिखाने के लिए आप लोगों से मिलकर उस फिल्मों को बनाए और लोगों को बताए किस तरह की फिल्में बननी चाहिए? इतिहास कहाँ है? आज जो पुस्तकें हैं, मैं तो कहता हूँ उनमें भी काफी पुस्तकों का हमने विरोध किया है, इतिहास कहाँ है? आज आप इतिहास किसी का इतिहास आप लिख रहे हो 3000 साल पहले का, तो आप तथ्य जुटा करके इधर उधर पूछ करके 3000 पुराना व्यक्ति को आज है क्या जिंदा? ये तोड़ मरोड़ करके इतिहास पुस्तकों में भी लिखा जा रहा है और तोड़ मरोड़ करके फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि फिल्म बनाएं तो शुद्धिकरण के हिसाब से बनाएं, आज की जो युवा जनरेशन है उसको दिखाएं। फिल्मों के माध्यम से आज की युवा जनरेशन है वो आज जो 35 कौम है, फिल्मों में ठाकुर को, अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके गरीब जनता को मारते हुए पीटते हुए, शक्ति कपूर को बेटे के रूप में औरतों की इज्जत लूटते हुए दिखाया जाता, क्या ठाकुर ऐसे हुआ करते थे क्या? क्षत्रिय तो वो थे जो अपनी प्रजा के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए हजारों शीश कटवाए थे और लाखों काटे थे, क्षत्रिय तो वो थे। पर फिल्मों के माध्यम से 35 कौम के दिल और दिमाग में नफरत पैदा कर दी कि राजपूत ठाकुर हमारे पूर्वजों को तंग करते थे, मारते थे, कूटते थे, पीटते थे, जबकि क्षत्रिय तो उनके लिए लड़े हैं। आज देश की आजादी के अंदर सबसे बड़ा हाथ क्षत्रियों का है, पर इतिहास के अंदर 5% भी कहीं दर्ज है तो दिखा दो मेरे को, इतिहास में कहीं भी 5% भी दर्ज है तो दिखा दो।
इसलिए ये हमारी मांगे हैं, ये बीजेपी मान ले समय रहते तो ठीक है, वरना तो पूरे भारत से सवर्ण कास्ट बीजेपी को लेके आया था, सवर्ण कास्ट की अनदेखी, किसानों की अनदेखी बीजेपी को लेके डूबेगी। करनी सेना राम मंदिर अयोध्या जाने के भी प्लान में है, तो क्या कुछ है, किस तरह से करनी सेना सुखदेव जी नजर आएंगे अयोध्या में? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 5.5 महीने पहले अयोध्या गई थी और जाकर के हम वहाँ का हालात देखा, एक फटे हुए तिरपाल के अंदर वहाँ भारत के अंदर स्वच्छता अभियान चला रखा है, वहाँ मैंने जाकर के देखा इतनी गंदगी। हम लोगों ने कहा वहाँ जो 3 कंपनियाँ लगी हुई हैं अलग अलग, उनके अधिकारी हम उनसे मिले, हमने कहा हम यहाँ स्वच्छता अभियान चला करके सफाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ स्टे है, कोर्ट स्टे है, यथास्थिति रखनी पड़ेगी। तिरपाल भी चेंज नहीं कर पा रहे थे वो, तिरपाल एक तिरपाल फटे हुए के अंदर श्री राम बैठे थे वहाँ, तो आप इस देश को क्या मानोगे? झाड़ू साफ सफाई के लिए भी कोर्ट का स्टे आगे अड़ रहा है। मेरे को एक बात बताओ, आज आम शोषित पीड़ित गरीब सुप्रीम कोर्ट कोई रिट लगाता है तो उसकी चप्पल जूती घट जाती है, आने जाने में वकीलों को फीस देने के लिए उसको प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ती है, और एक फिल्म इंडस्ट्री का एक भांड जाता है और एक दिन के अंदर आदेश लेकर के आ जाता है पद्मावती फिल्म चलेगी। तो ये भारत के अंदर 2 कानून है क्या, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग? एक समय अवधि निर्धारित होनी चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए, कोई भी पिटीशन लगी है उसका इतने दिनों के अंदर 3 महीने में निस्तारण होगा तो होगा। सरकार बीजेपी और शिवसेना में घमासान मची राम मंदिर मुद्दे को लेकर, शिवसेना चाहती है कि मुद्दा मेरे पास आए, 4.5 साल निकल गए अभी तक इनको याद नहीं है और अभी जाकर वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर को लेकर। शिवसेना भाई, शिवसेना इंतजार कर रही थी भी बीजेपी क्या पता मना दे, शिवसेना हो बीजेपी हो, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जो नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं जिनकी राम श्री राम के अंदर श्रद्धा है, उन सबको वहाँ जाना चाहिए। अलग अलग गुट में कभी करनी सेना जाती है, कभी शिवसेना जाती है, कभी आरएसएस जाता है, कभी बजरंग दल जाता है, कभी विश्व हिंदू परिषद जाता है। मैं तो ये कहता हूँ अलग अलग क्यों जा रहे हो, एक दिन निश्चित और तय कर लो, पहले तो सरकार को दे दो कि अध्यादेश ला करके ये मंदिर बनाओ, अगर बनाती है तो ठीक है, नहीं सारे मिलकर के पूरे भारत के, और एक दिन समय और निश्चित तय कर लो, एक दिन हम सब जा करके वहाँ हम ही बनाना शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन मैंने अभी कह दिया, या तो टाइम बाउंड होना चाहिए उसका, 68 साल से मुकदमा चल रहे हैं, 68 साल से जो मुकदमे दर्ज करवाने वाले थे वो चले गए ऊपर श्रीराम के पास, मुकदमे चल रहे हैं फाइलों में। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ, पूरे भारत के जो अलग अलग संगठन हैं उन सबको एक जगह होकर के श्री राम के प्रति श्रद्धा दिखा करके, इस देश के प्रति श्रद्धा दिखा करके और चलना चाहिए एकजुटता के साथ। तो करनी सेना क्यों नहीं कदम उठा रही, सबको एक साथ में लेके जा रही है, और फिर सबको उठा के? हमने तो ये मुहिम चला रखी है 5.5 महीने, अभी तो मैंने कहा आपको हमने ये मुहिम चला रखी है। हम शुरू में स्टार्टिंग में हम गए, हमने जाकर के संगठन जितने भी हिंदूवादी संगठन है उनसे संपर्क किया, हमने मुस्लिमों भी संपर्क किया, मुस्लिमों से भी हमने कहा कि ये कभी भी ये मुद्दा है, ये एक आग का ढेर है और पता नहीं कब ये खुल गया उस दिन फटेगा, पता नहीं कितने भाई हिंदू मुस्लिम कट जाएंगे मर जाएंगे देश के अंदर, क्यों ना इसको बैठ करके इस मुद्दे को सुलटा लिया जाए। तो हम तो काफ़ी मुस्लिमों के संगठन है उनसे भी संपर्क किया है और कर रहे हैं,